आस्क द शार्क में स्वागत है आपका और आपका सीईओ एंड फाउंडर ओयो रूम्स रितेश अग्रवाल। आज का सवाल बढ़िया सवाल है, पंकज ने पूछा है इंदौर से। कह रहे नमस्ते रितेश, मेरा ड्राई फ्रूट्स का बिजनेस है। शार्क टैंक इंडिया के बाद मेरे सारे जान पहचान वाले मुझे बिजनेस का ज्ञान देने लगे। अब बिजनेस पे ध्यान दूं या सबकी सुनूं? देखिए, सबसे पहले तो पंकज जी आपको मेरे तरफ से नमस्ते। सबसे पहले तो शार्क टैंक ने भारत में एक तरीके से कहें तो क्रांति रेवोल्यूशन ले आया है कि जहां पे हर घर में जो है बात चल रही है बिजनेस के बारे में, इन्वेस्टमेंट के बारे में, एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। तो प्लीज कोई भी बिजनेस ऑपरेटर इसका बेनिफिट लीजिए, इससे तकलीफ लेने की जगह। क्योंकि मेरी मदर मेरे से बड़ी परेशान रहती थी कि मैं कॉलेज गया नहीं, 12वीं के बाद ही कंपनी शुरू कर दी। तो हमेशा कहती थी कि देखो बेटा तुम्हारी शादी होगी कैसे, बायोडाटा में क्या लिखेंगे। तो 2016 में जब पहली बार स्टार्टअप इंडिया का उद्घाटन हुआ तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि मुझे कई बार लगता है चाय वाला बनने की जगह क्यों ना मैंने होटल चेन का आइडिया क्यों नहीं सोचा। उन्होंने वो देखा, उससे उनके दिमाग में स्विच आया। उन्होंने कहा कि देखिए अगर मतलब वो कह रहे हैं तो शायद वो कुछ समझते जो मैं नहीं समझती, तो ठीक है। उसके बाद से उन्होंने मुझे फिर तकलीफ नहीं दी कॉलेज जाने। मेरा मानना है कि शार्क टैंक उसी डायरेक्शन को और आगे बढ़ा रहा है, तो उसके कारण आपको इस चीज़ का प्राइड लेना चाहिए और इसका बेनिफिट लीजिए। तो मेरा एक छोटा सुझाव है, अगर आपको लोग बिजनेस का आइडिया देते हैं आप उन्हें कहिए कि आप मेरे 10 पैकेट या 10 प्रोडक्ट बेच दीजिए, फिर मैं आपके एडवाइस के बारे में सुनूंगा। बहुत बढ़िया, सेल का सेल और एडवाइस अगर पते की होगी तो सेल के बाद मिल जाएगी। पंकज भाई, विन विन सोल्यूशन ऑफर करा गया। सुनो सबकी, करो अपनी और साथ में 10 पैकेट ड्राई फ्रूट के भी बेच दो। थैंक यू सो मच रितेश सर फॉर दिस वैल्यूएबल पीस ऑफ एडवाइस। पंकज, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया। इसी तरह आप भी हमें अपने बिजनेस रिलेटेड सवाल भेज सकते हैं, हम वो फिल्टर करके अच्छे इंटरेस्टिंग सवाल पूछेंगे अगले आस्क द शार्क में विद अ न्यू शार्क एंड न्यू क्वेश्चन। टिल देन स्टे ट्यून्ड।